Hey everybody, this is Bhavna and you are watching Competition English Bharati. Students, last videos में मैंने आपके लिए present simple tense कराया था और उसके कुछ rules and regulations कराए थे. तो आज के video में हम discuss करने वाले हैं present continuous tense, जिसको हम present progressive tense भी कहते हैं. बहुत ही छोटा सा video, ज़्यादा लंबा video नहीं है, तो video को अंत तक जरूर देखें. इसके बाद हम start करते हैं इस video को, okay? हालांकि मैंने सभी टेंसेस की ऑक्जुलरी वर्ब्स पहले ही बता दी हैं और इस टेंस के ऑक्जुलरी वर्ब्स को मैं रिपीट करने वाली हूँ. सो हैव अ लुक हियर. इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं इस, एम एंड आर. ओके, तो इस, एम, आर जो तीनों हैं, तीनों ही अलग अलग प्रोनाउन और नाउन के साथ में आती हैं. तो देखिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में आती है. अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल एम, एम जो है सिंगल आई के साथ यूज होती है. किसके साथ में? आई के साथ में. इसके बाद इस जो है जितने भी सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है, जो भी सिंगुलर ही, शी, इट, नेम, उनके साथ में यूज होती है इस. और आर जो है रिमेनिंग, इट मीन्स जो भी प्लूरल नाउन प्रोनाउन है उनके साथ में हम यूज़ करते हैं आर. तो ये यूज होती है सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ में और ये यूज होती है प्लूरल के साथ में. ओके, तो ये तो हो गई इसकी ऑक्जुलरी वर्ब्स. इसके बाद बात करते हैं हम इसकी मेन वर्ब की. इसकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में, मेन वर्ब जो है उसमें बेसिक जो फॉर्म होती है मेन वर्ब की, मेन वर्ब की जो बेसिक फॉर्म होती है उसमें आईएनजी प्लस कर देते हैं, तो उससे क्या बन जाती है, इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो मेन वर्ब है उसका एक रियल फॉर्म निकल के आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं. अगर हम मेन वर्ब में, मेन वर्ब इट मीन्स जो बेसिक फॉर्म है, अगर किसी भी बेसिक फॉर्म में हम क्या लगा दें, आईएनजी लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा ये. ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सिंह है और सिंह में क्या लगा दिया, आईएनजी, तो क्या निकल के आया, सिंगिंग. ओके, इस तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म निकल के आती है. बात करते हैं इसकी कुछ रूल्स की. इसमें पूरे मैंने कंप्लीट रूल्स नहीं लिए हैं, कुछ रूल्स मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेने वाली हूँ. देखिए, तो इसका जो फर्स्ट रूल है, एक्सप्रेसेस एन एक्शन गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. इट मीन्स जब हम बोल रहे हैं, यानी कि बोलते समय अगर कोई भी एक्शन जो है वो प्रोग्रेस वाली कंडीशन में है, प्रोग्रेसिव कंडीशन में है जब हम बोल रहे हैं, तो यानी कि बोलते समय कोई भी काम जो है वो एक्शन में है, कंटिन्यू चल रहा है, तो उस समय हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नाउ. हम लोग बातें कर रहे हैं और बातें करते करते क्या देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं. इट मीन्स जब हम बातें कर रहे हैं ना, तो बातें करते समय जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं. तो जब हम बोल रहे हैं ना, यानी कि बोलते समय कोई भी एक्शन जो है कंटिन्यू है, कोई भी एक्शन प्रोग्रेसिव वाली सिचुएशन में है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. एक बार एग्जाम्पल देखिए, वी आर प्लेइंग एट दिस टाइम. ठीक है, सेम एग्जाम्पल है, बस दोनों का जो एडवर्ब है वो अलग आ रहा है और ये जो दोनों ही एडवर्ब हैं, नाउ एंड एट दिस टाइम, ये दोनों ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होते हैं. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी हम कुछ बोल रहे हैं उस समय कोई भी वर्क, जो कोई भी एक्शन जो है वो प्रोग्रेसिव सिचुएशन में है, देन वी यूज कंटीन्यूअस टेंस. ओके, इसके बाद बात करते हैं सेकेंड टेंस, सेकेंड पॉइंट. तो सेकेंड पॉइंट जो है, एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंटिन्यू इंटरमिटेंटली बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्शन जो है लगातार चल रहा होता है, कंटिन्यूस चल रहा होता है कोई भी एक्शन, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बोलते समय भी वो कार्य चल रहा हो. वो कार्य जो है वैसे चल रहा है कंटिन्यूस, पता नहीं कब शुरू हुआ कब ख़त्म होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं कि उस समय भी वो कार्य चल रहा हो, लेकिन वैसे वो कार्य किस में, प्रोग्रेसिव वाली कंडीशन में. फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ निटिंग अ स्वेटर फॉर हर सन. She is knitting a sweater for her son. It means कोई भी लेडी है वो स्वेटर बना रही है अपने बच्चे के लिए. तो स्वेटर जो है वो ऐसा नहीं कि एक बार में बन जाता है, क्या करती है कि आज बना लिया, थोड़ा सा कल बना लिया, कुछ बाद में बना लेती हैं. यानी कि जो स्वेटर की जो निटिंग है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 24 आवर्स ही चलती रहे. तो वही वाली सिचुएशन आ जाती है कि कोई भी एक्शन कंटिन्यू चल रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि बोलते समय भी वो वर्क चल रहा हो. इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं. I'm writing a book on Shakespeare.
ठीक है, कोई भी बुक कोई भी कंडीशन बुक लिख रहे हैं हम लोग, तो बुक जो है वो ऐसा वर्क है जो चलता तो कंटिन्यूस है लेकिन रुक रुक के होता है। और ज़रूरी नहीं कि जब हम किसी को बता रहे हैं कि मैं शेक्सपियर पर बुक लिख रहा हूँ तो उस समय भी वो बुक जो है वो रिटन वाली कंडीशन में हो। तो इस तरीके से ये दो पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना अलग से। तो रिमेनिंग जो इसके पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली। अगर इन पॉइंट्स में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।